हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 62 करने वाले हैं, जो कि 2 दिसंबर के लिए हैं। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले बेटा माध्य पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी का विषय है ये 14 चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। सिर्फ क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष विधि। कहता है परिभाषा, संख्याओं यानी कि प्रेक्षण का औसत मान, प्रेक्षण का औसत मान ही क्या कहलाता है? आपका माध्य कहलाता है। माध्य को एक्स बार किससे दिखाते हैं बेटा? एक्स के ऊपर बार लगाते हैं, एक्स बार से दर्शाते हैं। गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है। किस तरह से? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स का मतलब प्रेक्षणों का योग, एन का मतलब प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जैसे ही आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, कहते हैं निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका औसत, इनका औसत हम बोर्ड पर ज्ञात करेंगे बाद में। ठीक है, अभी पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या कहती है। उसके बाद आपका है वर्गीकृत आंकड़े। तो देखिए बेटा, वर्गीकृत आंकड़े क्या कहते हैं आपके? ये आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहे हैं आपको वर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें क्या होता है बेटा, आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। जब आंकड़ों को हम बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपित करते हैं तो क्या कहलाएगा आपका? वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि 0 से 5, वर्ग अंतराल है 0 से 5, तो इसके बीच में कितने लोग आते हैं? बारंबारता है 7 लोगों की। 5 से 10 के बीच में 4 लोगों की, 10 से 15 के बीच में 9 लोगों की, 15 से 20 के बीच में 5 लोगों की, 20 से 25 के बीच में 4 लोगों की। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। ये आप जानते हैं निम्न सीमा, निम्न वर्ग सीमा होती है, और ये उच्च वर्ग सीमा होती है। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े जब वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता को निरूपित किया जाएगा तो क्या कहलाएंगे आपके? वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहता है बेटा। ये तो आपका है ही, अब कहता है हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे उनका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए तो अनेक विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है, कल्पित विधि है। लेकिन आपके लिए प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि रह गई है, तो आज हम सिर्फ प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, इनमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि में हमें करना क्या क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले उदाहरण से। पहले देखिए, कुछ चरण लिख के दिए हैं उन्होंने यहाँ पर। कहता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य प्रकृत करने के लिए दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। सारणी को पहले दोबारा लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ एक्स आई में ज्ञात किया जाता है। वर्ग चिन्ह स्तंभ जो होता है, मध्यमान जो होता है, एक्स आई में ज्ञात करते हैं। स्तंभ एफ आई एक्स आई में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। स्तंभ एफ आई एक्स में वर्ग चिन्ह बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करते हैं एफ आई और एक्स आई का। स्तंभ एफ आई एक्स आई का योग सिग्मा एफ आई एक्स आई प्राप्त कीजिए, और माध्य आपका क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई के रूप में ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं इसका उदाहरण क्या कहता है। तो देखते बेटा, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? कहते हैं दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत आंकड़े आपको दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है बेटा, 15 से 20 यहाँ आएगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और आपको बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो एक्स निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बेटा? जोड़कर 2 से भाग करते हैं। 0 और 5 का जोड़ 5 ही रहेगा, 5 का आधा कर दे तो 2.5 हो गया। 5 और 10 का जोड़ 15 हो गया, 15 को आधा कर दे तो 7.5 हो गया। या फिर आप ये देख लें, 1 निकाल लिया आपने, गैप देख लें सब में कितने कितने का गैप है, 5-5 का गैप है, तो 5-5 जोड़ दीजिए। 2.5 है, 2.5 में 5 जोड़ दिया तो 7.5, 7.5 में 5 जोड़ दिया 12.5, 12.5 में 5 जोड़े 17.5, 17.5 में 5 जोड़ दिया 22.5, 27.5, 32.5। ठीक है, इस तरह से आपका जुड़ता चला जाएगा। उसके बाद एफ आई और एक्स आई की क्या करते हैं? गुणा 2.5 की 7 से गुणा करते हैं, 25, 70, 175। एक अंक के बाद क्या हो गया? दशमलव आ गया। ठीक है, 7.5 जो 28, 28 30 आएगा बेटा, ये कितना आएगा?
30 होगा, ये गलत लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, इस तरह से आप अपना टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का, और ये सिग्मा एफ का टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है आपका योग, सिग्मा का मतलब क्या है योग। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जितना भी आएगा आप टोटल कर लेंगे और बटे में सिग्मा एफ आई भाग कर देंगे, तो आपका आंसर 16.675 आया। तो लगभग में क्या लिख दिया, 16.7 लिख देंगे। ठीक है, गुणा आप कर ही लेंगे, 9 की 12.5 से कर देंगे, 17.5 की 5 से कर देंगे, 22.5 की 4 से कर देंगे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है बेटा। देखिए उदाहरण नंबर 2 भी इसने दिया है यहाँ पर, ये रहा देखो, तो इसमें क्या है उदाहरण नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, कहता है माध्य दिया है 50 क्यू का मान ज्ञात करना है, तो वर्गंतराल दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90, 80 से 100, सॉरी बारंबारता आपको दिखाई दे रही है, बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं, एफ आई। ठीक, वर्गंतराल है ही, बारंबारता ही, एक्स निकाल दिया, एक्स कैसे निकालते हैं, जोड़कर 2 से भाग, 10 आ गया, 20-20 का गैप है तो 20-20 जोड़ दीजिए, ये होगा 30, 50, 70। ठीक है, या तो सबको जोड़ जोड़ के आधा करो या फिर क्या कर दो, गैप देख लो और वही जोड़ते चले जाइए आप। एक बार एक निकाल दिया, 20 का गैप है तो 20-20 क्या कर दो, बस जोड़ दो सब में। ठीक है, उसके बाद एफ आई एक्स आई, ये आपका बारंबारता को क्या कहते हैं आप, एफ आई कहते हैं, आपको बताया गया एफ आई 70 धाम 170, 32 की 30 से कर दी 960, 24 की 50 से कर दी, क्यू की 70 से कर दी 70 क्यू, 90 की 19 से कर दी तो 1710। उसका सिग्मा एफ आई आपने कर लिया, सिग्मा एफ आई का टोटल आपने यहाँ कर लेंगे। ठीक है, जी सिग्मा एफ आई का टोटल आपको पता है कितना आया, 52 प्लस क्यू, और सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका भी टोटल आप कर लेंगे, कितना दे रखा है ना, 40,000 40 प्लस 70 क्यू, माध्य दे रखा कितना 50, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और माध्य दे माध्य की जगह कितना लिख दिया 50, एफ आई एक्स आई की जगह 40,000 40 प्लस 70 क्यू, और सिग्मा एफ आई की जगह 52 प्लस क्यू, इसकी इधर क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया, 50 की 52 से कर दी 4600, 50 की क्यू से कर दी 50 क्यू, बराबर में है 4040 प्लस 70 क्यू, क्यू वाले फिर क्या कर लेंगे आप, एक तरफ कर लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो क्यू का आपका मान आ जाएगा कितना 28। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो अब अभ्यास के प्रश्न है बेटा, तो अभ्यास के प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पर चलना पड़ेगा और हम स्वयं प्रयास इसका करेंगे, तो एक एक करके हम जो है बोर्ड पर चलते हैं और दोनों क्वेश्चन ये करते हैं। तो चल देखते हैं पहला प्रश्न बोर्ड पर, तो देखते हैं बेटा क्रियाकलाप का पहला क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कहता है निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, कुछ आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31, 37, 43, 47, इनका आपको औसत ज्ञात करना, औसत हम माध्य को ही कहते हैं हम जानते हैं, तो औसत ज्ञात करने से पहले जितने भी नए व्यूअर हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। देखते हैं बेटा इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, क्या क्या दे रखा उसने, 13, 29, 84, 56, 68 और क्या है बेटा 23, 48, 15, 71, 80, 31, 47, 63, 37 बेटा 63 और 37। ठीक है, ये 15 आइटम है। ठीक है, हमें निकालना है बेटा इसका औसत, औसत माध्य को ही कहते हैं। तो फॉर्मूला आपको लिखवाएगा था सिग्मा एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, या एन ही होगा इसके अंदर तो एफ है ही नहीं, नंबर ऑफ आइटम ही होंगे। ठीक है बेटा, तो सिग्मा का मतलब जानते हैं योग, परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या, यही होता है बेटा बड़े में। तो क्या होगा आपका 13 प्लस 29, परीक्षणों का योग क्या होगा बेटा, इन सबको टोटल कर देंगे 84 प्लस 56 प्लस 25 68,
तेईस, अड़तालीस, पंद्रह, इकहत्तर प्लस 80 प्लस 31, 47, 63 और 37 बेटा। और अपॉन में कितना है बेटा जी आपका, कितनी संख्या है, 15 संख्या है आपके पास, बटे 15 ही जाएगा। तो इन सबको जब जोड़ेंगे बेटा तो हमारा आ रहा है 690। कितना रहा है, 690 बटे में 15। 15 से काटेंगे कितना गया, 15 चौके 60, 9 बचे, 15 छक्के 90 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया माध्य यानी के औसत बेटा। ठीक है, माध्य कितना आ गया आपका, 46 आ गया। ये आपका क्रियाकलाप था बेटा, पहले ही उसने दे रखा था आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हमें अभ्यास के प्रश्न देख रहे हैं। अभ्यास के पहला प्रश्न क्या कहता है बेटा, तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए, निम्न सारणी स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है ये, कहता है निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये आपको साक्षरता दर है प्रतिशत में, ये आपके नगरों की संख्या है, कहता है 35 नगरों की साक्षरता दर आपको दे रखी है, तो कहता है इसकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करते हैं बेटा हम, जो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो हम एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है, मध्य मान होता है, मध्य वैल्यू होती है इनके बीच का मान। कैसे निकालते हैं बेटा, हमें बताते हैं, जोड़कर 2 से भाग करते हैं। ये हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो गया बेटा 50, इसका आधा कितना हो गया बेटा 10, 10 का गैप है, तो अब आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर 10 10 का गैप है तो इसमें बस 10 10 जोड़ते जाइए, ये हो जाएगा 60, इसमें 10 जोड़ देंगे 70, 80 और ये 90, ये आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, वरना क्या करना है आपको, जोड़कर 2 से भाग करना, जोड़कर 2 से भाग, जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 2 से भाग करा 60। ठीक है, इस तरह से मध्यमान निकाल देंगे, या तो जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आपका मध्यमान आ जाता है। या फिर आप क्या कर लें, एक पहला निकाल लें जोड़कर 2 से भाग कर, और आप देख लेंगे सब में बराबर गैप है, 10 10 का गैप है, तो सब में क्या कर दीजिए आप, 10 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम उसके बाद, एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई की गुणा कर देंगे, 3 5 15, 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये आपका हो जाएगा 11 7 77 और ये आपका आएगा 64। थोड़ा सा हमने लिखे हैं बेटा 600, 150 और ये कितना होगा, 3 × 27, तो क्या करेंगे बेटा आप, सिग्मा एफ आई निकाल देंगे और यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल देंगे। सिग्मा एफ आई निकालिए बेटा, इसका टोटल कर देंगे आप, 3 11 हो गए, 11 11 22, 25 और 10 35 हो गया आपका, ये तो 35 ही है बेटा। ठीक है, इसका टोटल करिए कितना हो गया आपका, 0 हो गया, 7 5 12, 7 7 14, 21 और 23 से लगे 2, ये हो गया आपका 10, 16, 16 और 8 आपका हो गया 24, इतना हो गया शायद बेटा, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 24। ठीक, उसका हम क्या निकालते हैं बेटा, माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही पढ़ा बेटा। तो इसका टोटल कितना है आपका, 24 30 बटे में 35। अब 2430 को हम 35 से क्या कर देंगे, भाग करते हैं, देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो बेटा 2430 को भाग करें 35 से, तो ये आपका आ जाएगा 69.42। ठीक है बेटा, कितना आएगा, 69.42 आपका आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कहीं पे भी अलग से। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमें करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 25.2। ठीक, तो देखते हैं बेटा किस तरह से होगा ये, और के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा, कहता है निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं,
तो देखिए बेटा, मृगंत्राल आपका दे ही रखा है, आपको एफपी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी माध्य दे रखा है 25.2। तो कहता है कि कमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, किस तरह से करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो हम एक्स आई ही निकालेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे, 5 हो गया। जोड़कर आधा कर दो, या आप देख लो 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ते चलिए, 10 जोड़ देंगे, 15, 25, 35 और 45, यही हो जाएगा बेटा आपका। जोड़कर क्या कर दिया, आधा करो और फिर 10-10 गैप है वो जोड़ दो, या फिर सब में क्या करो, सबको जोड़ो और 2 से काटो, सबको जोड़ो 2 से काटो। ठीक है, तो हम तो जोड़ ही देते हैं। तो उसके बाद एफ आई और एस एक्स आई की गुणा कर देंगे बेटा। तो गुणा करिए, एक्स आई का मतलब जानते हैं मध्यमान, 5 8 40, 12 की 15 से करेंगे बेटा तो कितना होता है, 180। 25 धाम आपका होता है 250, 35 की 11 से करेंगे तो 11 5 55, 33 और 5 38, 45 की के से करेंगे तो हो गया बेटा 45 K। ठीक है, यहाँ हम कर देंगे सिग्मा एफ आई, इसका टोटल कर लो बेटा, ये हो गया 12 8 20 30 और ये 41+ K, 41+ K हो जाएगा बेटा, ये 8 12 20 और 30 11 41 जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको टोटल कर दें कितना हो गया ये बेटा, 45 K। तो जुड़ नहीं सकता, वो K वाला है, अलग रहेगा, बाकी जोड़ लीजिए। ये हो गया 5 4 8 8 8 16 8 24 25, वहां से लगे 2 855, कितना हो गया बेटा, 855+ 45 K। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है। और माध्य उसने हमें खुद दिया है बेटा, कितना दिया है माध्य, 25.2। माध्य है हमारे पास 25.2, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपके पास, 855+ में 45 K, बटे में कितना है बेटा, 41+ K। ठीक, इसके इधर क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे हम, तो कर दीजिए 41 दूनी 82, हासिल लगेंगे कितने बेटा, 8, 41 पंजे 205, 205 और 8 कितना हो गया बेटा, 213 का 3, हासिल लगे 21, और फिर 41 दूनी कितना हो गया आपका, 82 और 21 कितना हो गया, 103। दशमलव एक अंक के बाद, सॉरी, अब इसकी के से भी करेंगे तो कितना हो गया, 25.2 के से करेंगे तो 25.2 के बराबर में 855+ में 45 K। ठीक है बेटा, संख्या संख्या एक तरफ, के वाले आप एक तरफ ले लेंगे, तो यहीं कर देते हैं बेटा, जगह नहीं है उधर करते हैं, यहीं पे कर लो बेटा, छोड़ो। ए है 1033.2, 1033.2 और 855 इधर लेंगे, आएगा जाएगा माइनस का 855 हो गया बेटा, बराबर में कितना है आपका, 45 K, बराबर में है हमारे पास 45 K, बराबर 25.2 के इधर लेंगे, आएगा जाएगा माइनस का 25.2 K। इसको उसमें से घटाइए बेटा, कितना आ गया, 2 और 13 में से 5 के तो 8, 12 में से 5 के तो 7, और 9 में से 8 गया तो 1, 178.2 बेटा, घटा दीजिए, हो गया 8, 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो गया 12, 19.8 हो गया। 19.8 से क्या कर देंगे बेटा, इसको भाग कर देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा 178.2 बटे में 19.8। पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा बेटा, कट जाएगा। अब 198 से हम भाग कर देंगे 178 को, ठीक है, तो भाग करके देखते हैं बेटा क्या आता है। देखिए भाग करेंगे बेटा इसको, 198 निम्मा ही कितना हो जाएगा, 198 निम्मा, यानी कि 9 बार जाएगा, 1782 आपका आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया बेटा आपका, 9 आ गया। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।